कानपुर थाना के रोशना ओपी क्षेत्र के गंगानगर बहियार के समीप बांस से लदा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से ड्राइवर व खलासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उक्त घटना को देख स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी रोशना ओपी प्रभारी राजेश कुमार को दिया। सूचना पाकर रोशना ओपी प्रभारी पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए पंचनामा बनाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया है। मृतक की पहचान प्राणपुर थाना क्षेत्र के केवाला गाँव निवासी तजीबुर रहमान उम्र 50 एवं मोहम्मद जलाल उम्र 40 वर्ष के रूप में किया गया है। उक्त घटना से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। मृतक के परिजनों को केवाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तारिक अनवर के द्वारा हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया गया। उक्त घटना से केवाला गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेजते हुए बांस लदा ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर आज तक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्वर्ण रानी के साथ भगत एवं मुकेश सिंह की रिपोर्ट। Yeah.